दुरुग कोऑपरेटिव बैंक है और दुरुग कोऑपरेटिव बैंक इस वक्त 108वां अपना स्थापना वर्ष का आयोजन धनतेरस के दिन आयोजित किया है मानस भवन परिसर में। और उस दिन हम अपने पूर्व की भांति 182 सदस्य और 100 अन्य सदस्यों को लाभांश वितरण करेंगे 1,62,00,000। और उसी दिन मुख्यमंत्री सुपोषण योजना अंतर्गत हम शिशुवती माताओं के लिए भी जो पोषण उनको सप्लीमेंट्री और शुद्ध अनाज मिल सके इसके लिए जैविक अनाज चावल गेहूं और चना का इंतजाम किए हैं। इसको शिशुवती माताओं के लिए हम उस दिन शुभारंभ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सब आदरणीय अतिथियों के द्वारा। ये हमारा आयोजन का एक प्रमुख रूपरेखा है। किस सोच को लेकर इस तरह का फायदा होगा इससे? नहीं, इससे फायदा एक तो देश और प्रदेश के सरकार ऑर्गेनिक को बढ़ावा दे रही है लेकिन हमारे किसानों को वास्तविक रेट, छोटे किसान अपना उपज पर जैविक का प्लेटफार्म नहीं है करके बोने से भाग रहे हैं, ऐसे लोगों को एक सुनिश्चित प्लेटफार्म मिलेगा जो हम अपने बैंक के CSR मद से इसके सुपोषण योजना अंतर्गत जो प्लानिंग किया हुआ है। तो इससे एक जागरूकता भी आएगी, स्वस्थ अनाज, माता स्वस्थ तो बच्चे स्वस्थ, ऐसा एक हमारा कॉन्सेप्ट। इसमें कितने महिलाओं के लक्ष्य रखा गया? प्रथम तौर पर तीनों जिला में 22,000 महिलाएं हैं जिनको प्रति माह 550 क्विंटल चावल की ज़रूरत पड़ेगी और इसका संचालन महिला बाल विकास अधिकारी ही करेगी। लेकिन हमने टेंडरिंग किया है, टेंडर में जो अनाज जैविक का लैब टेस्ट होके जो मिलती है वो हम तीनों जिले के महिला बाल विकास अधिकारी को दे देंगे और कम अनाज मिलने पर इसे तीनों जिले के एक एक विकास खंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करेंगे। और जैसे जैसे किसानों का हमारे पास हमारी आवश्यकता के अनुरूप अनाज मिलते जाएगा उसको हम दायरा को पूरे 12 विकास खंड में फैलाएंगे। कौन कौन से जिलों को जोड़ा है आपने? हमारा बालोद, बेमेतरा और दुर्ग तीन बैंक जिला है, कार्य क्षेत्र जिला, ये तीनों जिले के लिए के किसानों से लिया जाएगा। हमारी प्राथमिकता हमने तय किया हुआ है तीनों जिले के जो हमारे किसान हैं KCC होल्डर, यदि उनकी उपज जैविक में कर लिए होंगे तो उनको हम प्राथमिकता पर करेंगे।